हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी हब। मेरे यूट्यूब स्टडी हब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम 200 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, जिसमें हम 200 रूल्स में सारे इंग्लिश को पूरे डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए एरर्स का वीडियो भी देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले 4 वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें पहला वीडियो टेंस, सेकेंड वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड थर्ड वीडियो आपका था नाउन का और फोर्थ वीडियो प्रोनाउन का। उसके बाद ये फिफ्थ वीडियो होगा जिसमें हम आर्टिकल्स से रिलेटेड कंसेप्ट्स को देखेंगे और रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल को शुरू करने से पहले हम इसके डिटेल पहले कुछ कंसेप्ट्स को सीख लेते हैं जो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद हम रूल पे आते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनडेफिनिट और एक डेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट का मतलब जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, इनडेफिनिट का मतलब कि आपको कुछ पता ना हो उस वस्तु के बारे में, ठीक है, या किसी भी आदमी के बारे में उसके पहले, या किसी भी थिंग्स के बारे में, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में अगर पहले से नहीं पता हो तो इनडेफिनिट, और अगर उसके बारे में पहले से पता हो आपको तो डेफिनिट। तो डेफिनिट के साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं और इनडेफिनिट के साथ हम ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए या एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ए का देखिए, ए को ए कहाँ पे लगता है और एन कहाँ पे लगता है, इसके लिए कुछ आपको याद रखना है। क्या कि अगर बोलते समय हवा रुक के आए तो ए का यूज होगा। जैसे ए का यूज़ कब करेंगे, जब ब्लॉक ऑफ एयर हो, जैसे कोई भी वर्ड बोलते समय आपको ब्लॉक ऑफ एयर का महसूस हो, जैसे आपका फॉक्स, तो मतलब आवाज़, मतलब एयर जो निकल रहा है बोलते समय वो रुक करके आ रही है फॉक्स, तो फॉक्स में हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, ए का यूज़ होगा। उसी तरह से बी ए मतलब रुक करके आ रहा है ना, तो ए और बी ए होता है, ठीक है, बी ए के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एन का यूज़ कहाँ करते हैं, अगर बोलते समय हवा सीधे फेफड़ों से बिना रुके आए तो एन का यूज़ होगा, ठीक है। तो फ्री फ्लो ऑफ साउंड क्या होता है, वोवेल, और ब्लॉक ऑफ साउंड होता है कॉन्सनेंट, ठीक है। तो फ्री फ्लो ऑफ साउंड अगर हो तो वोवेल होगा, तो वोवेल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्लॉक फ्लो ऑफ साउंड अगर हो तो कॉन्सनेंट होता है, कॉन्सनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वोवेल आपका जो वोवेल का पुराना मतलब कंसेप्ट सब था कि जैसे ए या यू यू के पहले हम एन का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है कि वोवेल जो हो वो आपका इसमें हो, जैसे यर मतलब स्वर और व्यंजन कहते हैं ना उसमें, तो जैसे अ से अगर स्टार्ट हो कोई वर्ड, ठीक है, तो उसके पहले एन लगेगा आ, ठीक है। तो ये सब जो है इससे हम अब देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और आगे देखते हैं अब इससे कुछ और रिलेटेड, जैसे ये तो हो गया ए और एन का, ठीक है। अब द का देखते हैं कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मारो जी स्टीडी, आपको एक चीज़ याद रखना है कि मारो जी स्टीडी, ठीक है, मारो जी स्टीडी, ये मारो जी स्टीडी क्या है, एम फोर, जैसे एम आर ओ मारो जी एस टी डी, तो मारो जी स्टीडी के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मारो जी स्टीडी क्या है, तो एम फोर माउंटेन, तो माउंटेन रेंज के पहले हम द का यूज़ करते हैं। आर फोर रिवर, रिवर्स के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। ओशियन या सी के पहले नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। गल्फ, ठीक है, या बे के पहले हम यूज़ करते हैं द का, ठीक है। शिप, एरोप्लेन के नेम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। ट्रेन के नेम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। डिजर्ट के नेम के पहले हम द यूज़ करते हैं। और डायरेक्शन के पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका
मारुजी स्टीडी। तो मारुजी स्टीडी के पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो एम फोर माउंटेन, आर फोर रिवर, ओ फोर ओशियन, जी फोर गल्फ, एस फोर शिप या एरोप्लेन, मतलब शिप से रिलेटेड ही है एरोप्लेन तो एरोप्लेन, फिर ट्रेन, टी फोर ट्रेन, डी फोर डिजर्ट एंड एक और डी से मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो कुछ थे कि जिससे के पहले हम द का यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं कि द का यूज़ किन के पहले और हो सकता है। जैसे ये ऐसे वर्ड्स हैं आपके या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, जैसे मारुजी स्टडी से। और NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, ठीक है, इसको इससे आपको याद रखना है कि द का यूज होता है। ठीक है, NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, ठीक है, इसके बारे में देखना है। NRI, ठीक है, फिर H4 हिमाचल और P4 प्रदेश, ठीक है, P4 प्रदेश और मैं पकड़ा गया M से M में पकड़ा गया क्यों, ठीक है, तो ये देखना है। तो NRI HP मतलब हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, ठीक है। तो N4 न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के नेम के पहले हम द के यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हम रिलीजियंस के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, ठीक है। आई फॉर इन्वेंशन, इन्वेंशन के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द रेडियो या टेलीविज़न, इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल थिंग्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले हम द का यूज़ करते हैं। एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। पी फॉर पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन द का यूज़ हम कब नहीं करते हैं, जब पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले माई हीज हर अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो उससे पहले, जैसे आगे देखते हैं इसका डिटेल में, ठीक है। जी फॉर गो, अगर गो के लिए मतलब कहीं भी जाने का प्ले किसी भी प्लेस पे जान के तरफ जाने का मतलब उस कहीं पे आपको जाने का अगर जिक्र हो तो उस प्लेस के पे अगर गो के बाद आप द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप प्राइमरी वर्क के लिए जाते हो, जिस चीज़ के लिए वो बननी हो या बना हो वो चीज़ मतलब वो जगह, उस चीज़ के वास्ते आप जाते हैं। जैसे स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो अगर वो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने तो उससे द स्कूल से पहले हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स जाएं मीटिंग के लिए स्कूल में, तो उनका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, मीटिंग में केवल जाना है, जो सेकेंडरी थिंग्स है उस पर्पस है जाने का, ठीक है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वर्क के लिए हम द का यूज़ करते हैं और प्राइमरी वर्क के लिए द का यूज़ नहीं करते हैं। क्यू से क्वालिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, तो इस दोनों तीनों के बारे में हम आगे देख रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे था पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द लगाते हैं कब, आई हैव पेन इन नी, तो हमने अभी देखा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है, नी, तो नी से पहले तो द लगना चाहिए, तो ये गलत है आपका। तो सही फॉर्मेशन क्या होगा, आई हैव पेन इन द नी, ये आपका सही फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका गलत था ऊपर वाला, ये नीचे बीच वाला आपका सही है फॉर्मेशन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द का यूज़ कब नहीं करते हैं, जब हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले पजेसिव एडजेक्टिव दिखे, जैसे माई, आई हैव पेन इन माई नी, शी हैज़ पेन इन हर नी, ठीक है, तो ही इज़ हर माई अगर लगा हो तो उससे पहले हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं गो का केस देखते हैं, अगर प्राइमरी वर्क के लिए अगर उस चीज़ का यूज हो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं पढ़ने ही जाऊंगा स्कूल, जैसे स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब स्टूडेंट जो है वो पढ़ने जा रहा है स्कूल, तो प्राइमरी थिंग्स है उसके लिए पढ़ने, मतलब स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो प्राइमरी वर्क हो गया। अगर सेकेंडरी वर्क, जैसे अगर उसके गार्जियन बोले, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग के लिए पेरेंट्स जा रहे हैं, तो ये सेकेंडरी काम है,
प्राइमरी काम क्या है, पढ़ना, लेकिन सेकेंडरी काम आपका स्कूल में मीटिंग होगा उसमें आप जा करके अगर अटेंड करते हैं तो वो आपके पेरेंट्स के लिए सेकेंडरी काम है। तो उसके पहले, अगर स्कूल के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्कूल ही नहीं, चर्च हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और देखिए, जैसे कि आगे था क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्यू से था क्वालिटी ऑफ पर्सन। जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर की रोल की बात की जाए, ठीक है, जैसे स्टूडेंट के सामने टीचर या सन के सामने फादर, अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे when he saw his son, उसको बेटा को देखते ही द फादर इन हिम बोर्ड, मतलब उसके अंदर का जो पिता था वो जग गया, ठीक है। तो उसके अंदर की क्वालिटी जगी ना, तो द फादर होगा यहाँ पे, द फादर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी के पहले हम जो अंदर से निकले, ठीक है, जैसे टीचर के सामने, स्टूडेंट के सामने टीचर का, सन के सामने फादर का, तो ऐसे केस में हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, नाउन ऑफ नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। या ओन ऑफ के बाद हम द का यूज़ करते हैं, ईच ऑफ के बाद हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओन ऑफ के बाद द का यूज, ईच ऑफ के बाद द का यूज़, और नाउन ऑफ नाउन अगर केस हो उसके बाद भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ थे बेसिक, ठीक है। अगर आप इन बातों को ही केवल अगर ध्यान रखते हैं तो भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आप इन्हीं को रिवीजन कर लें, ठीक है। अब देखिए, द का यूज़ हमने सिखा दिया आपको, तो जहाँ पे द नहीं लगेगा, इसके अगर ए का आपको पता है, एन कहाँ लगेगा वो पता है, द कहाँ लगेगा वहाँ वो भी पता है, तो जहाँ पे द नहीं लगेगा इसके अलावा जो होगा उस पे द नहीं लगेगा, तो इसके अलावा जो होते हैं उसके बाद, मतलब उसके पहले ना द लगता है ना ए एन लगता है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में हम देखते हैं, देखिए आर्टिकल्स अब डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन या द आर्टिकल कहा जाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। जैसे ए तथा एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बताने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता बताने के लिए, ठीक है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है एन MLA डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। देखिए, तो एन MLA मतलब कौन MLA मारा, यहाँ पे तो किसी को पता नहीं है कि कौन सा MLA मारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनसर्टेन है, आपके लिए ये सर्टेन नहीं है कि कौन, मतलब MLA का क्या नाम था, आप इसको नहीं जानते हैं। तो एन MLA डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो एन MLA का यूज़ किया गया, ठीक है। ए या एन का यूज़ करेंगे तो एन होगा MLA, ठीक है। MLA, देखिए ये रुक करके समान, मतलब साउंड जो हो रहा है कि वो हवा रुक करके नहीं आ रही, तो MLA किस पहले, MLA जैसे बोलते हैं तो वो एकदम डायरेक्ट से हमारा आवाज़ निकलता है, तो MLA। तो ऐसे भी हम उससे पहले हम वोवेल साउंड आ रहा है, मतलब वोवेल की तरह ट्रीट करके हम उसका NMLA यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ए जो लिखा था, ऐसे ए एम उसके बाद एल, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है MLA, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका व्यंजन है, ठीक है। तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन अ रोड एक्सीडेंट, तो रोड एक्सीडेंट के बारे में भी आपको नहीं पता था, तो हमने रोड एक्सीडेंट के पहले भी एक, मतलब ए का यूज़ किया, ठीक है। सेकेंड है आपका एन ऑनेस्ट बॉय इज़ लाइक्ड बाई ऑल। अब कोई भी ऑनेस्ट जो लड़का होता है वो सभी के द्वारा प्यार, मतलब पसंद किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी लड़का, मतलब किसी अनसर्टेन लोगों के बारे में, मतलब किसी अनसर्टेन लड़के के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है आपका हैव यू अ सिगरेट, कि आपके पास सिगरेट है, मतलब उसमें तो कोई ये खासियत नहीं बता रहा है कि वहीं वाला सिगरेट दो, कोई भी सिगरेट चलेगा, ठीक है। तो हम उसके पहले हम अनसर्टेन है सिगरेट, तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे है
ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं, जैसे ही हैज़ परचेज्ड अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, काउंटेबल नाउन आपका रिंग है, तो रिंग के पहले हमने ए का यूज़ किया, लेकिन गोल्ड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हमने ना ही ए यूज़ किया ना ही एन यूज़ किया, क्योंकि ये जी था तो इसके पहले तो ए यूज होना चाहिए था गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के पहले ए यूज होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि गोल्ड जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इससे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन रिंग जो है काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम ए का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं इस यहाँ इसने में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ ए या एन, ए एंड एन के बारे में हम अब डिफरेंस देखते हैं। जैसे यूज ऑफ ए कहाँ होता है, किसी भी वर्ड के फर्स्ट साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन की ध्वनि प्रदान करती है, तो आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। व्यंजन अगर वर्ड मतलब जो भी वर्ड यू मतलब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से ध्वनि मतलब प्रदान करती है, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऊपर मैंने गलती से बता दिया था कि व्यंजन के पहले एन का, तो वो नहीं, स्वर के पहले आप एन का यूज़ करते हैं और व्यंजन के पहले हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे गर्ल, ग से लिखा हुआ है, तो ग क्या है आपका व्यंजन है, तो ग के पहले ग से स्टार्ट, जैसे गर्ल, गर्ल को हम ऐसे लिखते हैं गर्ल, ठीक है। तो ग से स्टार्ट हो रहा है, तो ग क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, फिल्म, ठीक है, टेबल, फैन, तो ये सब फिल्म, देखिए फिल्म फ से फ क्या है व्यंजन है, टेबल ट क्या है आपका व्यंजन है, फ क्या है यहाँ पे आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। या हमने पहले सीख रखा है कि जब भी आवाज़ रुक करके आए, ठीक है, तो एन मतलब ए का यूज़ करते हैं, और रुक करके ना आए अंदर से फेफड़े से आवाज़ जो आए, हवा रुक करके ना आए, तो हम एन का यूज़ करते हैं, और रुक करके आए तो ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से फिल्म, फिल्म तो थोड़ा सा रुकावट महसूस हो रही है ना, फिल्म, टेबल, फैन, तो हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। या ऐसा भी देख सकते हैं कि व्यंजन से अगर स्टार्ट मतलब लिखने के समय अगर व्यंजन महसूस हो बोलते समय, ठीक है, उच्चारण करते समय, जैसे फिल्म फ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो फ एक व्यंजन है, उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज ऑफ एन को देखते हैं, यूज ऑफ एन में क्या है आपका, यूज ऑफ एन में किसी भी वर्ड को फर्स्ट साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर की ध्वनि प्रदान करती है, तो एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट को हम एलिफेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है आपका स्वर है, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला का स्वर है आपका ए, तो ए से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, तो ए एलिफेंट, ठीक है। और एलिफेंट को अगर बोलते हैं तो आपका जो साउंड है वो हवा रुक करके नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ एयर नहीं हो रहा है, तो एन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन ऑक्स, ऑक्स को देखिए, ऑक्स डायरेक्ट बोल दे रहा आदमी, ऑक्स, आर्ट, इंडियन, ठीक है, तो इससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। या ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑक्स को अ स्वर से लिखा गया है, आर्ट में अ आपका स्वर है, ई में इंडियन में आपका ई स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए एन का आपने देख लिया अभी, अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ते हैं। तो अब रूल हमारा स्टार्ट होता है, रूल नंबर 68 क्या कहता है, संख्या मतलब नंबर या मात्रा क्वांटिटी बताने वाले कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, उनसे पहले ए या एन का यूज़ हम करते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज़, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, अ ग्रेट, अ गुड डील ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो ग्रेट डील है यहाँ पे, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए गुड ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट या गुड मैनी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी या नंबर का जब
एक्सप्रेशन हो तो उससे पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं, ए या एन का, ठीक है। तो यहाँ पे सारे में आपका ये सब नंबर है, ग्रेट है, लार्ज है, गुड है, ग्रेट है, लार्ज है, तो ये सब क्या है आपका व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है या आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हम तो ए का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए होगा अगर जहाँ पे ऐसा कुछ होता कि जहाँ पे वोवेल का जिक्र किया गया होता तो एन का यूज़ करते, ठीक है। तो आपको सिंपल सा याद ये रखना है कि नंबर या क्वांटिटी मीन्स संख्या या मात्रा का बताने वाले कुछ एक्सप्रेशन का अगर जिक्र हो उस सेंटेंस में तो हम उससे पहले ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि उससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे पहला है एओ यू, ठीक है। तो यू देखिए, यू ऐसे लिखा हुआ है, य हर्षो यू, ठीक है। तो यू आपका य से है तो य क्या है आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं, तो ए का यूज़ किया गया यहाँ पे। यूलोजी है, यूलोजी यू से य क्या है आपका, य है आपका व्यंजन, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं, तो ए का यूज़ किया गया। यंच 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 है ये यंच, ठीक है। तो यंच को लिखते हैं य से, ठीक है। तो यह एक व्यंजन है तो आपका ए का यूज़ किया गया। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म है यहाँ पे, यूफेमिज्म, तो इससे पहले ए का यूज़ किया गया क्योंकि यू से लिखा गया, यू से लिखा जाता है व्यंजन से, ठीक है। यहाँ पे एम्पायर, एम्पायर को देखिए ए से लिखा गया, ए से लिखा गया, ए क्या है आपका स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में ए से स्टार्ट हुआ है तो ए क्या है आपका स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। एडिटर देखिए, ए से आपका स्वर से यूज मतलब उच्चारण होगा, ठीक है। तो आपका एन एडिटर होगा, ठीक है। वन व क्या है आपका व्यंजन है, व से उच्चारण अगर हो मतलब व्यंजन से उच्चारण तो आपका ए का यूज होगा, तो ए आर्टिकल यूज़ किया गया यहाँ पर। उसी तरह से वन, यहाँ पे वन लेग्ड ओमेन, तो वन क्या है, वन आपका व्यंजन से स्टार्ट है तो आपका ए का यूज़ किया गया। ओकुल यह आष्टी है, ओकुलिस्ट मतलब आष्टी है, तो आ से यूज़ किया गया, तो आ क्या है आपका स्वर है तो एन का यूज़ किया गया, ठीक है। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में आ से यूज़ मतलब आ से उच्चारण होगा, आ तो आ क्या है स्वर है तो उससे पहले एन का यूज़ होगा। फिर आउटलॉ, तो आउटलॉ क्या है आपका अ से मतलब उच्चारण है मतलब स्वर से आपका उच्चारण तो एन का यूज़ होगा। ओमन, ओमेन, ओमेन क्या है आपका ओ से उच्चारण हो रहा है, ओ क्या है आपका स्वर है तो एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ओरेटर, ओरेटर क्या है आपका ओ क्या है स्वर है तो स्वर से पहले एन का यूज़ किया गया। यूनियन, यू से स्टार्ट हुआ है ना यूनियन, तो यू क्या है आपका व्यंजन है, व्यंजन से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। यूनिट में व्यंजन है, यूनिफॉर्म में व्यंजन है, ठीक है। यूनिक मैन में व्यंजन है आपका। यूटोपिया, यूटोपिया में आपका व्यंजन है। यूनेनियम, यूनिनमस में आपका व्यंजन है। यूटेंसिल में आपका व्यंजन है तो ए का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब में ए का यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से अनलोडेड गन, अ क्या है आपका स्वर है, स्वर में आपका एन का यूज़ किया गया है। अगली, अगली में आपका अ से होता है उच्चारण स्टार्ट तो एन का यूज़ किया गया है। अनबायस्ड, अ से उच्चारण स्टार्ट होगा तो एन होगा। उसी तरह से अनबिकेमिंग, अ से स्टार्ट होगा तो एन का यूज़ किया गया है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ह से, ह क्या है व्यंजन है तो आपका ए से ए लगेगा, ठीक है। हिंट, हिंट क्या है आपका, हिंट एक व्यंजन है तो आपका अ हिंट होगा। आयर, इसका आयर होता है तो आयर अ क्या है आपका, आपका स्वर है तो स्वर से पहले एन का यूज़ होता है। आवर, आवर एक अ से स्टार्ट होगा उच्चारण होगा तो एन का यूज़ किया गया। फिर ऑनरेरियम, तो अ से हो रहा है तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑनर, ऑनर अ से स्टार्ट उच्चारण होता है तो एन का यूज़ किया गया। बी ए, बी देखिए ब से, ब क्या है आपका व्यंजन है तो बी ए, बी ए यूज़ किया गया। यू एन, यू एन, यू ऐसे लिखा था यू, ठीक है। तो यू क्या है, यह एक व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप
ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू एफ पार्टनर, तो यू क्या है आपका, व्यंजन है, तो ए का यूज़ करेंगे। डी यू, डी 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 क्या है आपका, ड, ड क्या है आपका व्यंजन है, तो आप ए का यूज़ करेंगे। एम ए, ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए क्या है आपका स्वर है, तो एन का यूज़ होगा। एम पी, ए से उच्चारण स्टार्ट होगा, ठीक है, तो एन एम पी होता है। एन एम एस सी होता है। एस डी ओ, ए स एस लिखा था, ए ए से स्टार्ट हुआ है, तो एन एस डी ओ। एक्सरे, एक्स तो एक्सरे, एन एक्सरे। एफ, ए से स्टार्ट उच्चारण स्टार्ट हुआ है, तो एफ एफ आई आर होगा। आई ए एस, ओ से स्टार्ट हुआ है, आई ए एस, ठीक है, तो एन आई ए एस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 69 देखते हैं आप। रूल नंबर 69 क्या कहता है, ए एन का प्रयोग इच या एवरी और पर या प्रति के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो इच या एवरी का मतलब क्या होता है आपका, प्रत्येक। पर का मतलब होता है प्रति, तो प्रत्येक या प्रति का जहाँ भी सेंस हो तो वहाँ पे हम अ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव फूड ट्वाइस अ डे, प्रत्येक दिन में दो बार मैं, प्रत्येक दिन में दो बार मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक दिन में दो बार मतलब प्रत्येक दिन है ना, प्रत्येक दिन, पर डे, पर डे के लिए भी हम अ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पर के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, तो ऑल यूज़ किया गया, तो अ डे, ठीक है। ही स्पेंड्स 5000 अ मंथ, मतलब एवरी मंथ वो, ईच एवरी मंथ वो एक रुपये मतलब 5000 स्पेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक मंथ का आ रहा है, तो सेंस तो ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। द कार इज़ रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर लिखा जाता है, ठीक है। तो पर के लिए हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, तो आवर क्या है, अ, अ से स्टार्ट होता है, तो अ के पहले अ व्यंज, अ जो है आपका स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, तो एन का यूज़ किया गया है। आगे देखिए अब रूल नंबर 70 है। रूल नंबर 70 है कि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, स्कोर, ग्रॉस से पहले ए एन का यूज होता है। जैसे आई हैव अ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। माई मदर हैज़ परचेज्ड अ डजन बनानाज, ठीक है। तो 100, डजन, थाउजेंड, मिलियन, स्कोर, ग्रॉस के पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं। 71 रूल नंबर क्या कहता है, हाफ या क्वार्टर का प्रयोग निम्न रूप में ए एन के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टू एंड हाफ लिखा हुआ है, ठीक है, टू एंड हाफ आवर, तो टू एंड अ हाफ आवर्स होता है, ठीक है। तो टू एंड अ हाफ आवर्स, ठीक है, तो अ का यूज़ किया गया है। थ्री एंड अ फोर्थ, ठीक है, थ्री एंड अ क्वार्टर, ठीक है, तो थ्री एंड अ क्वार्टर आवर्स, ठीक है। तो क्वार्टर के पहले हम मतलब फ्रैक्शन के पहले हम क्या करते हैं कि आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये फ्रैक्शन है मतलब हाफ, ठीक है, हाफ एंड आवर, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसलिए हाफ एंड आवर यूज़ किया गया। या ये हाफ आवर कहना गलत है, तो कभी भी आप हाफ एन आवर बोलिएगा, ठीक है, ये हाफ आवर नहीं बोला जाता। अगला है 1/3, वन थर्ड या ए थर्ड बोलते हैं इसको, वन थर्ड या ए थर्ड, वन का यूज, वन के लिए हम ए का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन क्वार्टर या अ क्वार्टर, थ्री फोर्थ, तो थ्री फोर्थ मतलब थ्री क्वार्टर, तो थ्री क्वार्टर में आप अ का मतलब अ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अ या मतलब ए या एन का यूज़ हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे आपका जैसे कि हो वन बाई, जैसे 1/4, ठीक है, तो ऊपर में वन होना चाहिए। अगर 3/4 है तो 3/4 के लिए हम मतलब थ्री क्वार्टर हो जाएगा ये, तो हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, या 2/5 के लिए भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, केवल ऊपर में वन अगर हो, न्यूमरेटर में अगर वन हो तभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 and 3/4 hours, ठीक है, 3/4 hour, ठीक है, तो 3/4 को 3 है ऊपर में न्यूमरेटर में, तो हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि जैसे 3 है ऊपर, अगर 1 नहीं है, ठीक है, तो अगर 1 नहीं है तो हम उसमें यस का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस इन सारे एग्जांपल्स में,
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है, तो हाफ का यूज़ हुआ है, ना कि हाफ्स का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे 1/4 है, तो 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, तो क्वार्टर का यूज़ हुआ है, ना कि क्वार्टर्स का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी एस लगा करके आपका दिया होता है, एस कहाँ पे लगेगा, तो एस आपका लगेगा यहाँ पे, देख पा रहे होंगे, जैसे 3/4 है, 3/4 मतलब न्यूमरेटर में आपका 3 आ गया, तो 3/4 में हम एस का यूज़ करते हैं, जैसे 3/4 को हम 3 क्वार्टर्स लिखेंगे तो एस लिखेंगे, क्वार्टर्स, ठीक है। वहीं वहाँ पे, यहाँ पे 1/4 था, तो अ क्वार्टर एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे 3/4 है, क्वार्टर्स का यूज़ किया गया, एस का यूज़ किया गया। तो जहाँ पे न्यूमरेटर में 1 हो, उसमें हम ए या एन का यूज़ करेंगे, और जिसमें 1 के अलावा और जो भी हो, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो हम उसमें एस का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 72 क्या कहता है? रूल नंबर 72 है, प्लुरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर बनाने के लिए, किसी भी प्लुरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे 5-ईयर कोर्स, 5-ईयर कोर्स क्या है? 5-ईयर्स कोर्स आपका प्लुरल है, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, अ 5-ईयर कोर्स, ठीक है। फिर है 3 आवर्स मैच, 3 आवर्स मैच आपका प्लुरल है, तो हम सिंगुलर उसको बनाना चाहते हैं, तो अ 3 आवर मैच लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ओमिशन ऑफ ए या एन, कहाँ पे हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे है, ए या एन का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ही परचेज ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो फ्यूल क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी पेट्रोलियम थिंग्स आपका क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब पानी जैसा ही होता है, तो लिक्विड को हम गिन नहीं सकते ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम ए का यूज़, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका सही फॉर्मेशन जो होगा, ही परचेज फ्यूल होगा, ही परचेज फ्यूल, ठीक है। अ गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर क्या है? अनकाउंटेबल। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, तो होगा गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन सिल्वर होगा, ए का यूज़ हम नहीं करेंगे। रूल नंबर 74 क्या है? ए या एन का प्रयोग प्लुरल से पहले नहीं करते हैं, जैसे पीपल क्या है? एक प्लुरल नाउन है। कैटल क्या है? प्लुरल नाउन है, तो उससे पहले हम ए का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही फॉर्मेशन होगा पीपल, पीपल वेयर किल्ड या कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, तो ए का यूज़ नहीं होगा। यूज ऑफ द देखते हैं आप कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे तो हमने मारोजी स्टडी और NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, उससे ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन अब डिटेल में पढ़ लेते हैं उसका। जैसे NRI आर से रिवर था, तो रिवर के पहले द का यूज़ करते हैं, कनाल नहर के पहले, ठीक है, रिवर नहर एक ही होता है, तो मतलब रिवर क्या होता है? जो कहीं ना कहीं से निकलती हो, और नहर जो है दो नदी को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, या कहीं पे निकल कर कहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका पानी जो होता है वो नदी से ही फुलफिल होता है, तो उसे नहर बोलते हैं, ठीक है। तो नहर या रिवर के पहले हम द का यूज़ करते हैं, बे या गल्फ के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, खाड़ी के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा रिवर है, तो द का यूज़ किया हमने, शाहदरा कनाल द, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द अमेजोन रिवर, द स्वेज कनाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो द का यूज़ किया हमने गल्फ़ या बे या रिवर के पहले, ठीक है। एक्सेप्शन आपका ध्यान में रखना है आपको, कि हडसन बे जो है, हडसन बे के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, हडसन बे के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे है 76, 76 में है कि सी के नाम के पहले या महा ओशियन के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कैप्सियन सी, तो द कैप्सियन सी होगा, द इंडियन ओशियन होगा, द ब्लैक सी होगा, द पैसिफिक सी होगा, सॉरी द पैसिफिक ओशियन होगा, ठीक है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 77 क्या कहता है? कि हम आइसलैंड मतलब द्वीपों के पहले हम, द्वीपों के नाम के पहले हम यूज़ करते हैं द का, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार, तो द अंडमान होगा, द अंडमान होगा, द वेस्ट इंडीज़ होगा,
द निकोबार होगा, द फिलीपींस होगा। एक्सेप्शन में है जो द्वीप, जो आइसलैंड अकेला है, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, अंडमान छोटे छोटे महाद्वीपों से बना है, निकोबार भी छोटे छोटे महाद्वीपों आइसलैंड से मिलकर बना है, वेस्ट इंडीज भी छोटे छोटे मतलब आइसलैंड को मिला करके वेस्ट इंडीज बोला जाता है, फिलीपींस भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन सेलियोन, सेलियोन एक एक ही आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है, समूह के पहले। और अगर सिंगल हो उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करते। जावा आपका सिंगल आइसलैंड है, सिसली आपका, सुमात्रा, ये सब आपका सिंगल आइसलैंड है, तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन आप ध्यान रखिए। रूल नंबर 78 क्या कहता है, पर्वत की श्रृंखला माउंटेन रेंजेस के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हिमालय एक रेंज है, तो द हिमालयस, द एंडीज, द वेस्टर्न घाट्स, द आल्प्स, द विंध्याज, द ईस्टर्न घाट्स, इसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन माउंटेन पीक के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द माउंट एवरेस्ट कहना गलत है, माउंट एवरेस्ट सही है, माउंट आबू सही है, माउंट एवरेस्ट सही कहना होगा आपका। धौलागिरी के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पीक है माउंटेंस के, ठीक है। रूल नंबर 79 कहता है रेगिस्तान मतलब डिजर्ट के पहले, नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द काराकोरम डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, तो डिजर्ट के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको रिलेट करते रहिए, मारो जी स्टडी NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, इससे भी, ठीक है। तो ट्रेन, ट्रेन का नाम हमने भी पढ़ा था ऊपर, ट्रेन के नाम के पहले द का यूज़ होगा। एरोप्लेन के पहले, शिप के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे शिप के नाम के पहले, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द कश्मीर प्रिंसेस, द विक्टोरिया, द पंजाब मेल, द मेघदूत एंड द विक्रांत, ठीक है, इससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन, शिप या एरोप्लेन के नाम के पहले, ठीक है। या किसी रिलीजियस कम्युनिटी, एम्पायर या डायनेस्टी के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदूज, द हिंदूज, द सिक्स, द मुगल एम्पायर, द मौर्यन डायनेस्टी, द ज्यूज, द मुस्लिम, द गुप्ता एम्पायर, द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो रिलीजियस कम्युनिटी, एम्पायर एंड आपका ये डायनेस्टी के पहले हम द का यूज़ करते हैं। अगला, न्यूज़पेपर के नाम के पहले या राजनीतिक दल के, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द BJP, द हिंदू, द कांग्रेस। 83 क्या कहता है, 83 आपका भौगोलिक जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन के पहले हम द का यूज़ करते हैं, मीन्स डायरेक्शन के पहले। 84 क्या कहता है, 84 में है किसी ऐतिहासिक इमारत मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले या हिस्टोरिकल पीरियड या एज के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द बैटल ऑफ पानीपत आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स है, रशियन रिवोल्यूशन आपका एक रिवोल्यूशन है, पीरियड है, ठीक है, तो ये द का यूज़ करेंगे। प्री हिस्टोरिक एज या आपका एज या पीरियड है तो आपका द का यूज़ होगा, ठीक है। द नेग्रोस तो आपका द का यूज़ होगा, पिरामिड्स के पहले द का, सिविल वार के पहले द का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले द का, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज के पहले द का, स्कीमोज के पहले द का, ठीक है। 85 में है रिलीजियस बुक के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे द रामायणा, द होली बाइबल, द कुरान, द इलायत, इसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के लेखक का नाम अगर उससे पहले हो तो द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि का अगर रामायण है, ठीक है, तो उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है वाल्मीकि, जैसे बाणभट्ट, होमर्स, ठीक है, तो इसके पहले मतलब इस उसके केस में हम रिलीजियस जो ग्रंथ है उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कादम्बरी के पहले द का यूज़ नहीं होगा, इलायत के पहले द का यूज़ नहीं होगा, रामायण के पहले द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि उससे पहले राइटर का नाम दिया हुआ है। 86 क्या कहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम द का यूज़ करते हैं। द तबला, द पियानो, द हारमोनियम, द गिटार के पहले हम द का यूज़ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज़ करते हैं। 87 में क्या कहता है, किसी यूनिक
दर्शन के दर्शाने के लिए यूनिक मतलब वस्तु के यूनिकता दर्शाने के लिए मतलब यूनिक हो है वो बताने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे द सन एक यूनिक है, सन एक ही है, इक्वेटर एक ही है, पोलर स्टार एक ही है, तो इस सब के पहले यूनिक हमको बताना है तो हम द का यूज़ करते हैं। द अर्थ, द सी, द यूनिवर्स, ये सब यूनिक है तो हम इसके पहले द का यूज़ करते हैं। 88 क्या कहता है, सरकारी शाखाएँ मतलब गवर्नमेंट ब्रांचेस तथा सशस्त्र सेनाओं मतलब आर्म फोर्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द जुडिशियरी गवर्नमेंट ब्रांचेज है, द आर्मी आपका आर्म फोर्सेज है, द लेजिस्लेचर एंड द एयरफोर्स के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है, एयरफोर्स के पहले द का यूज़ करेंगे। किसी अजायब घर मतलब म्यूजियम, पुस्तकालय, थिएटर, क्लब के नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द ब्रिटेन म्यूजियम, द रोटेटरी क्लब, द कांग्रेस लाइब्रेरी, द ग्लोब मतलब थिएटर का नाम है द ग्लोब, ठीक है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। 90 में है, जब किसी व्यक्ति के लिए पोस्ट का प्रयोग हो तो पोस्ट से पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे पीएम एक पोस्ट है तो द पीएम एड्रेस द नेशन द लास्ट नाइट, द एसएचओ, एसएचओ भी एक पोस्ट है, ठीक है, तो द एसएचओ इज ए टेकिंग टू द एसआई, टॉकिंग टू द एसआई, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट के पहले द का यूज़ होगा, बेस्ट के पहले द का यूज़ होगा, ठीक है। तो रोहन इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, अनिल कुंबले इज़ द बेस्ट कोच इन ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, इस सब के पहले भी द का यूज़ करते हैं हम। द फर्स्ट रैंक ऑफ एसएससी, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट, ठीक है, इस सब के पहले द सेकेंड, ये सब हम इस सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं। यदि किसी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के रूप में हो तो कॉमन नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। वहीं क्वालिटी का केस है जो हमने पढ़ रखा है पहले, तो जैसे व्हेन ही सॉ ही सन द फादर इन हिम, द फादर इन हिम होगा, ठीक है, उसके अंदर का पिता का भाव जग गया, ठीक है। द टीचर इन हर मतलब सन के सामने उसका मतलब स्टूडेंट के सामने अगर उसका जो अंदर का अध्यापक है वो जग जाता है भाव, तो द टीचर होगा, द सोल्जर होगा, ठीक है, द सोल्जर इन राकेश, तो क्वालिटी की बात हो रहा है यहाँ पे, तो द का यूज़ करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज किया जाएगा जाता है यदि प्रॉपर नाउन उसके गुण के आधार पर तुलना की जाए तो, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी इज़ द वल्लभ भाई पटेल ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी वल्लभ भाई पटेल है न्यू इंडिया के, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये किसी के गुण या तुलना करने के लिए हम कर रहे हैं तो हम द यूज़ करेंगे पटेल के पहले, वल्लभ भाई पटेल के पहले हम द का यूज़ करेंगे। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड के पहले हम तो द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो तुलना किया जा रहा है या गुण बताया जा रहा है, कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड की तरह ही है, ठीक है, तो उसका क्वालिटी या मतलब उसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो द का यूज़ करेंगे। अरिजीत सिंह इज़ द किशोर कुमार ऑफ दिस एरा, ठीक है, तो द किशोर कुमार होगा क्योंकि किशोर कुमार से तुलना की जा रही है। 95 है, नेशनलिटी के से पहले हम द मतलब आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे द इंग्लिश, ठीक है, द फ्रेंच और द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश तो आपका नेशनलिटी बताने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, द इंग्लिश यहाँ पे द नेशनलिटी के लिए दिखाया जा रहा है मतलब बताया जा रहा है तो द का यूज़ करेंगे, लेकिन ये इंग्लिश या फ्रेंच जो है आपका इंग्लिश या फ्रेंच जो है डिफीट द फ्रेंच, यहाँ पे भी आपका नेशनलिटी बताने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश जो है ये जो इंग्लिश है ये इंग्लिश जो है आपका लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, वो आगे सीखेंगे। नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल, ठीक है, किसी गांव से पहले, जिला से पहले, राजधानी से पहले, शहर से पहले, राज्य, देश, महाद्वीप के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे पहले नहीं यूज़ कर सकते। दिल्ली एक कैपिटल है, एशिया कंटिनेंट है, इंडिया, हरियाणा और कानपुर, इस सब के पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे
पंजाब एक स्टेट होते हुए भी हम द का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स द का यूज़ कर रहे हैं, यूके द का यूज़ कर रहे हैं, हैग्यू के पहले द का यूज़, यूएसएसआर जब ग्रुप में हुआ करता था मतलब रसिया तो हम द का यूज़ करते थे, द नीदरलैंड्स द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप को शो कर रहा है ये सब। पंजाब पांच नदियों के मेल से बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स छोटे छोटे जो राज्य हैं उनसे मिलकर के बन रहा है, ठीक है। तो हम ग्रुप के कारण हम इन्हें इनके पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी लैंग्वेज के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, इटालियन, ये सब आपका अगर लैंग्वेज के तौर पे यूज़ हो रहा है तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर द इंग्लिश अगर नेशनलिटी के लिए यूज़ हो रहा है तो द का यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश से पहले, क्योंकि वहाँ पे नेशनलिटी का बात हो रहा है। किसी विषय के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। विषय का नाम जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इस सब के पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते। किसी खेल के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, हॉकी हुआ, इस सब के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 100 क्या कहता है, मैन, वोमैन, गॉड, पार्लियामेंट, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ब्यूटी, फ्रीडम, म्यूजिक, नेचर, डेथ से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैन, गॉड, ओमेन, पार्लियामेंट, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ब्यूटी, फ्रीडम, म्यूजिक, नेचर, डेथ से पहले हम द का यूज नहीं, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 101 रूल क्या कहता है, मेटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी ऑनेस्ट नाउन मतलब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन गुड है, वुड है, हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैटर्ड आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन सब का पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। द मीन्स मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बेड, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, जेल, अगर मूल्य उद्देश्य बताने के लिए अगर यूज हो रहा है तो इससे पहले द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी थिंग्स के लिए यूज हो रहा हो तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ रखा है, जैसे ही गोज टू द टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है। तो वो टेम्पल जाता होगा प्रार्थना के लिए, ठीक है। तो प्रार्थना के लिए अगर है तो प्रार्थना के लिए वो जा रहा है, तो प्राइमरी काम है प्रार्थना करना टेम्पल में, ठीक है। तो द का यूज़ नहीं किया गया है। सी वेंट टू बेड, सोने के लिए अगर जा रहा हो तो हम बेड पर अगर सोने जा रहे हो तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे राकेश वेंट टू द स्कूल टू सी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से अगर मिलने जा रहा है ना कि पढ़ने स्कूल, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। दे कम टू द हॉस्पिटल टू ऑब्जर्व फैसिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में ना दिखाने आ रहा है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा है, केवल देखने आ रहा है फैसिलिटी को, तो ये सेकेंडरी काम हो गया हॉस्पिटल का, तो उसके लिए हम पहले द का यूज़ करेंगे उससे पहले। 103 रूल नंबर क्या कहता है, भोजन के नामों मतलब नेम ऑफ मील्स से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, ये सब आपका मील का नाम है, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। 104 में मतलब बीमारियों के नाम के पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं जिनके पहले हम यूज़ नहीं करते, फीवर, टाइफॉइड, कैंसर, मलेरिया, डायबिटीज़, एनेमिया, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्लेग के पहले द का यूज़ करते हैं, द प्लेग, द फ्लू, द मिजल्स, द मॉम्प्स, इन सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिन, महीना तथा दिन और रात के पहर मतलब पार्ट्स ऑफ द डे या नाइट के नामों से पहले हम प्रयोग नहीं करते हैं आर्टिकल का, ठीक है। जैसे संडे, मार्च, टुमोरो, आपका डस्क, मॉर्निंग, ये सब आपका या तो डे का नाम है, मंथ्स का नाम है, नहीं तो आपका किसी पहर का नाम है, तो हम द का यूज़ नहीं करते। 106 क्या करा है, 106 है त्योहारों मतलब फेस्टिवल्स के पहले हम फेस्टिवल्स के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे दीपावली है आपका, रिपब्लिक है डे है, होली है, न्यू ईयर है, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते। 107 है पजेसिव एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
ए एन या ड जो आर्टिकल होता है वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। तो अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो पहले से कोई, तो इंग्लिश में क्या होता है कि आपका डबलिंग नहीं होता। जब इंग्लिश में डबलिंग नहीं होता तो दो एडजेक्टिव या दो नाउन ये सब एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपका माई एक एडजेक्टिव है या हर आपका एडजेक्टिव है, हिज एडजेक्टिव है, तो इससे पहले एक और एडजेक्टिव नहीं आ सकता, मतलब या इसके बाद भी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्योंकि डबल लिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश में कभी भी डबलिंग नहीं होता, और आगे भी केस देखेंगे कि जहाँ पे डबलिंग नहीं होता वहाँ पे हम चेंज करते हैं उसको, ठीक है। तो जहाँ पे एडजेक्टिव पहले से दिया हो तो उसके बाद फिर एक और एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। तो ए एन या द जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे जहाँ पे आपका माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर का यूज हो चुका हो, ठीक है। जैसे माई द बुक, ठीक है, तो माई पहले से यूज हो चुका है यहाँ पे, हर यूज हो चुका है, हीज यूज हो चुका है, तो हम ए एन या द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 108 में क्या कह रहा है, ऐसा माना जाता है कि जैसे मेक, बिकेम, एलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट के केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये गलत लोग सोचते हैं कि जब भी मेक, बिकेम, एलेक्ट ये सब दे दिया जाता है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन किस केस में हम यूज करते हैं, किस केस में यूज नहीं करते हैं, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ही वेंट टू एलेक्ट अ प्रेसिडेंट, ठीक है, एलेक्ट है यहाँ पे, अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड है, इससे बाद डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं यूज हो रहा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, एलेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, अपॉइंटेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, तो इसके केस में हम ए एन द का यूज कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वांट टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, ही अपॉइंटेड अ मैनेजर, ही अपॉइंटेड अ टाइम टू मीट, ठीक है। तो इस सब के पहले हम अ का यूज, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे जैसे वी वेंट टू इलेक्ट मिस्टर, देखिए इलेक्ट है यहाँ पे, एलेक्ट दिया हुआ है, एलेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है मिस्टर शर्मा, ठीक है, और अपॉइंटेड, अपॉइंटेड के बाद आपका मिस्टर गुप्ता ऑब्जेक्ट के तौर पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आ जाए एलेक्ट, अपॉइंटेड, बिकेम, ठीक है, इन सब के बाद, सेलेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो उसके बाद हम ए यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ए का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पे मिस्टर गुप्ता मैनेजर, ये सही है, ही अपॉइंटेड मिस्टर गुप्ता मैनेजर, ठीक है। वी वेंट टू इलेक्ट मिस्टर शर्मा, तो इलेक्ट के बाद आपका मिस्टर शर्मा आ जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का बात आ जा रहा है, तो आपका उसके बाद ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पूरा आपका आर्टिकल कम्प्लीट हो चुका है इस एक ही वीडियो में, सारे रूल कम्प्लीट हो गया। अब आपको बार बार इसको देखिए जब तक कि अब अच्छे से समझ में ना आ जाए। आपको जो पहला जो पेज पढ़ाया गया उसमें आप उसी को आप देखते रहिए बार बार, या नोट्स बना करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, ताकि अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आपको क्या इसमें सुधार चाहिए आप प्लीज़ बताइए कमेंट में, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।